There's an old saying in the Wall Street that you make money when there's blood on the street. आज के इस खसूसी शुमारे में हम एक अहम मौजू के तहत बात करने जा रहे हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए ये सेशन सूदमंद साबित होगा। कुछ ऐसे अशखास, बिलखसूस नौजवान, जो चाहते हैं कि कुछ नया बिजनेस हम स्टार्ट करें, लेकिन उनके जहन में ये बात आती ही नहीं कि स्टार्ट करना है, इसके लिए हमें बेसिक चीज़ें क्या चाहिए। आज के इस सेशन में वी हैव हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सेप्शनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट विद अस, मिस्टर हसीब द्राबू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुछ दिन कबल एक बड़ी खबर, बहुत टाइम के बाद, कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आकर एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम अगर इसको आम जबान में समझना चाहें, क्या थे ये मामला? कश्मीर के लिए, कश्मीर इकॉनमी के लिए एक लैंडमार्क इवेंट है कि पहली बार एक फॉरेन इन्वेस्टर एक छोटे से बिजनेस में पहले दिलचस्पी लेता है, उसको समझता है, उसको परखता है, और फिर उसको इस काबिल समझता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं अपने फ़ायदे के लिए, और इस एंटरप्राइज को वो देखता है कि ये ग्रो करेगा। ये आज की बात नहीं है, वो आज से 5 साल 10 साल आगे देखता है। ओके। तो वो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। नाउ ये काफ़ी जगह हो चुका है, लेकिन कश्मीर में होना, जहाँ पे कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं रहा है कई साल से, एक प्राइवेट एंटरप्राइज जो छोटी सी कंपनी है उसके लिए ये, नॉर्मली जो हमारी कंपनीज हैं कश्मीर में, काफ़ी कंपनियाँ चलती हैं हॉर्टिकल्चर स्पेस में हो, हैंडीक्राफ्ट्स में हो, बाकी जगह पे हो, तो वो अपना काम कैसे करते हैं? वो बैंक से सूद ले बोरो करते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, और काम के बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो नॉर्मल एक्सेप्टेड जो है वो बैंक फाइनेंस रहता है, जिसको डेट हम बोलते हैं। डेट बैंक का भी हो सकता है, नॉन बैंक फाइनेंस का भी होता है। बिल्कुल। और सब यहाँ पे जो जितने भी बिजनेस हैं उन्होंने इसका यूज़ किया है, पैसा लिया है, बिजनेस ग्रो किया है, इंटरेस्ट बढ़ा है, और आगे बढ़े हैं। दूसरा रूट जो बिजनेस फाइनेंस के लिए अहम रहता है, उसको इक्विटी बोलते हैं। ओके। जहाँ पे वो पैसा लेते हैं सूद भरने के लिए नहीं, बट एज एन इन्वेस्टर इन अ कंपनी। काफ़ी टाइप्स हैं। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे रिलायंस है। रिलायंस के शेयर होते हैं जो आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, बाकी भी खरीदते हैं, सब सबसे बड़े ज़्यादा शेयर होल्डर उसके हैं। वो पब्लिक मार्केट्स होते हैं, वो ट्रेड होते हैं कि मैंने आज खरीदा रिलायंस का शेयर, कल बेचा, परसों अदानी का खरीदा, बिरला का बेचा, तो वो एक पब्लिक मार्केट है। जेके बैंक जम्मू कश्मीर की वाहिद कंपनी है जो पब्लिक मार्केट में है, ये रेज करती है, और वो 1996-97 में लिस्ट हुई थी। इसके अलावा प्राइवेट मार्केट्स होते हैं। अच्छा। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्राइवेट मार्केट डेट में भी होते हैं, इक्विटी में भी होते हैं। जो ये ट्रांजैक्शंस की आपने बात की, फ्रूट वॉल में जहाँ एक इनको फिन इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्राइवेट मार्केट्स में है। तो अगर प्राइवेट इक्विटी, और उन्हें इन्वेस्ट किया ये देख के कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसका प्रॉस्पेक्ट आगे चल के क्या है, और उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर डाइल्यूट किए, ट्रेडेबल नहीं है, ये प्राइवेट मार्केट्स में है। अच्छा। और इन फंड्स का जो है तरीकेकार अलग होता है। okay. तो जब स्टार्टअप हो उसके लिए वेंचर कैपिटल आता है, जब थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो
पाँच छः साल का एक बैलेंस शीट बनता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता है प्रॉफिटेबिलिटी का, फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आती है उसमें। ओके, और वो क्यों आती है और उसमें उसका मकसद क्या है? वो ये चाहते हैं कि अगर जिस वक्त आप पब्लिक मार्केट में रहते हैं कि मैंने आज 10 रुपये का शेयर खरीदा कल 12 में बेचा, बिल्कुल यहाँ पे वो बात नहीं है। ओके, यहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है कम से कम 3 या 5 साल सोच के कि मैं इसको बेच खरीद नहीं पाऊंगा, अच्छा ट्रेड नहीं होगा, ये इन्वेस्टेड रहेगा इसमें, और जब उसको लगेगा कि इस कंपनी का वैल्यू बढ़ गया है वो किसी और प्राइवेट इक्विटी वाले को बेचेगा। ओके, एट अ हायर प्राइस। उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहता है। अच्छा, वो बोर्ड में बैठते हैं क्योंकि आमतौर जो छोटी कंपनियां हैं इनका उतना सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम होता नहीं है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं देते। अच्छा, वो उसके साथ साथ जो है एक्सपर्टीज भी लाते हैं। ओके, कई चीजों में मैनेजमेंट में भी आ जाते हैं। जिस वक्त आप डेट लेते हैं उस वक्त कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता बैंक का। अच्छा, सिवाय ये कि मुझे अपना सूद दे दो आप। लेकिन यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि इसका पैसा लगा है, लगा अगर है। कल को ये काम नहीं चला तो वो हार भी सकता है, ही माइट फॉरगो हिज कैपिटल। तो गरज एक आप समझिए कि अगर एक कंपनी एक फर्द की तरह है तो स्कूल से निकल के अब कॉलेज में पहुंच गई, फिर कॉलेज से निकल के वो यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी। ठीक, जिस वक्त हम पब्लिक लिस्टिंग करेंगे या पब्लिक मार्केट्स में जाएंगे वो यूनिवर्सिटी है। फिलहाल ये कंपनी जो है ये स्कूल से अब कॉलेज में पहुंच चुकी है। अच्छा, तो दैट इज हाउ इट विल फंक्शन, बिकॉज इट हैज इवॉल्वड एज अ इंस्टीट्यूशन, इट हैज गॉन अप वन लेवल अप। ओके, इट स्टिल हैज टू क्रॉस मेनी लेवल्स। द अल्टीमेट ऑफ कोर्स इज यू लिस्टेड पब्लिकली, नॉट ऑल कंपनीज लिस्ट देमसेल्व्स पब्लिकली, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू नो यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड हाउ यू वॉन्ट टू रन इट, बट the involvement of a private equity investor is not only a vote of confidence in the system but also an endorsement of the business plan to participate and grow. Okay, and take it beyond the confines of a particular region or a space. kuch aise naujawan jo ye sochte hain ki hum kuch start karte hain, koi business start karte hain, nahi chahte wo bank ke paas jaye. isme hum dekhte hain ki angel capital bhi isme involved hoti hai. agar aapke paas koi aisa idea ho to wo dekhte hain idea kya hai to us hisab se wo invest karte hain. ye thoda hype ho gaya hai कि एंजल फंडिंग या स्टार्टअप्स जो हैं वो एक सेक्टर और एक लिमिटेड चीज़ में था, बेसिकली आईटी में। अच्छा, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई, स्टार्टअप हुआ, एंजल इन्वेस्टर आया, वेंचर कैपिटल ने काम किया, 10 करोड़ डाले, 1000 करोड़ कमाया, बहुत रेयर रहता है। तो फर्स्ट ये है कि जो जिस तरह की बिजनेस हमारे रियासत में है या यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हो सकता है बड़ा लिमिटेड होगा, हर किसी को आइडिया नहीं होता, एक एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी होती है। सो आई एम मोर अ बिलीवर इन एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी देन आइडियाज। आइडियाज आर रेयर, यस, वन इन अ मिलियन। वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, ओनली वन सक्सीड्स, नोबडी टॉक्स अबाउट द 99 दैट फेल्ड। एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिटिकल, एंड जेएनके का जो है एक अलग तरीके का एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी है, मोर ऑन ट्रेडिंग साइड, ऑन प्रोडक्शन साइड हमारा कम रहा है। आपने कहा कि वो बैंक के पास नहीं जाना चाहते, अगर वो जाएंगे भी तो बैंक पैसा नहीं देगा। तो प्राइवेट मार्केट का एवोल्यूशन जो है जहाँ पे हम जा सकते हैं एक बिजनेस प्लान लेके, आइडिया नेसेसरी बड़ा ना हो लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड हो कि साहब मेरी समझ है इस सेक्टर में। मिसाल के तौर पे हॉर्टिकल्चर की बात हमने की पहले कि ये कितने लोग जानते हैं कि जेएनके इटसेल्फ इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड। मुझे एक चीज़ और बताइए आप, दूसरी चीज़ कहीं वाली जहाँ पे आपका ग्लोबल रैंकिंग हो सकता है। तो इस एरिया में आपको स्कोप बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो आप एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर सेटअप करते हैं। अच्छा, उसमें चूंकि इसमें हाफ ऑफ कश्मीर पॉपुलेशन लिव्स इन, देयर आर फंड्स हु आर इंटरेस्टेड नॉट ओनली मेकिंग मनी बट आल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी इटसेल्फ। प्राइवेट मार्केट्स आर ह्यूजली एक्सेसिबल, ह्यूजली, नॉट ओनली प्राइवेट मार्केट्स, इवन गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कश्मीर में आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस है कुदरती नेचुरली इज एनवायरमेंट सेंसिटिव,
crafts completely friendly and yes. environmentally. Horticulture entirely friendly. Tourism, unless you make it a disruptive tourism, entirely eco-friendly. लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं. हम steel, big cement, big plants उसके बारे में सोचते हैं. People should focus on these areas. अच्छा. And you will have huge access to environmental funds, ESG funds, because these are global developmental goals that by 2025 I have to move to this level. So at the first place they need to understand ki hamare yahan scope kahan hai aur hame kahan kahan explore karna hoga. Correct. That's the most important thing. When you talked about government also funds in between, jab ne kaha ki sirf government of India hi nahi balki kuch aur government jo fund karti hai, kya ye somehow linked hai to sovereign funds? Well, there are sovereign wealth funds, SWFs. Okay. Each country has its own. Yes, it's not necessarily linked to them. They could be sovereign funds, they could be non-sovereign funds. So what sovereign funds typically are government funds. Okay. Like China has a very large sovereign fund, and they have really invested hugely in Africa, for instance, on commodities. Yes, you could access sovereign funds, you could access ESG funds, you could access impact funds, okay. But even private wealth funds are, because our numbers are very, very small. Mm-hmm. You know, so our numbers are very small. We need very little capital to transform J&K. Now that a beginning has been made, people can see that they can access a whole range of things. Even for instance, J&K Bank, in my time, 47% of investors were foreign investors. Okay. And they were also very concerned, though that was public markets, they were very concerned about the impact it has on, you know, the overall economy of J&K. Mm-hmm. You can leverage some of the funds. You can leverage some of the funds within the government of India to help your businesses. But today, the real story and the real emergence is of the private markets, which so far has not been accessed by people in J&K, mm-hmm. for the reason that we are not even aware of those, you know, looking at them and work backwards to create a business plan that suits the requirements of the funds. कई सारे ऐसे मामलात जिनको देखकर एक आम कश्मीरी जब ऐसा सोचता भी है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसके जहन में रिस्क जहन में आ जाती हैं कि शायद इसके साथ ये रिस्क इन्वॉल्व हो या शायद कल कोई आगे ना बढ़ पाए बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस जो हम जानते हैं. क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स अ कंट्री रिस्क. What is the risk in India? Today, India has a much lower risk than many other countries. So, growth okay. and stability, political stability, okay. economic performance. Then within India, there are regions. Mm. We have unfortunately been in a region which has had huge issues. Mm-hmm. And we would be classified as a high country risk and high state risk. Okay. Having said that, then there are sector risks. If you are in horticulture, you will have a particular kind of risk. 3 years later, you have some हेल हो सकता है, वो हो सकता है, सिस्टम डेवलप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अच्छा. देन देयर आर सेक्टर रिस्क्स. ओके. एंड देन देयर आर कंपनी रिस्क्स, यू नो. सो ईच, यस इट इज ट्रू, बट लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव हाई रिस्क यू आल्सो जनरेट हाई रिटर्न्स. देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन द वॉल स्ट्रीट दैट यू मेक मनी व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट. सो दैट हैज ऑलवेज बीन अ थिंग दैट व्हेन दिस रिस्क इज हाई the returns correspondingly had to be higher. Mm-hmm. But in this case, we've not had that kind of a situation where the risks were quantifiable. There was a different class of risks altogether. But that should not deter investors because the framework of the Indian regulatory system is very robust. Now, even if there is a risk, okay, the investor will look at two things. Mm-hmm. How do I mitigate them? Every risk is a mitigation. Mm. And second is what's my return. Large parts of Kashmir's production is never consumed here. It's consumed elsewhere. Okay. That is a de-risking. Achha. Because if you were to say that you are consuming everything here, then uh-huh. it would be a bigger risk. Mm-hmm. So if you look at horticulture, 90% of it goes out de-risked. Right? People come here for tourism. They come from outside. Okay. There's no origination risk. So the myth is a little, when you look at it granular wise, uh-huh. yes, there's a political risk. Uh-huh. There's a government stability risk. Mm-hmm. कि वह पिछले आपके पास 4 साल से 5 साल से elected government नहीं है. Mm-hmm. तो आएगी तो क्या रद्द बदल करेगी? That's a risk.
and investors conscious of that. I would honestly see that as a perception risk. It's a perception. Okay. And people like you who are in this space need to engage with investors to say that there's a perception of a risk. Achoo. What is the reality? Right. So that's where I think some work has been done by Fruitwall to make them understand what is the perception, what's the reality, and that has probably helped them get that the kind of private equity investment that they got. Okay. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खसूसी शुमारे में इन मामलात पर पूरी तरह से तफसीलन बात करने के लिए और नाजरीन के जहन में जो इस तरह के खदशात थे उन्हें क्लियर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.